तो दोस्तों नदी में पूरी तो भयानी आई हुई, आप लोग ये देख सकते हैं। देखिए यार बहुत ज़्यादा पानी आ गया। अभी हम लोग नीचे से जिस नहीं जाए क्योंकि पानी यहाँ ही आते हैं। तुम ये देखने से बहुत तो तेज स्लो में जा रहा है यार। हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स अभी अभी हम लोग नीचे गए थे नदी के पास क्योंकि उधर बहुत तेज़ तूफानी आई हुई और मैंने जैसे आप लोगों को वीडियो में भी दिखाया तो अब नहाना मुश्किल ही नामुमकिन है क्योंकि अगर इसमें बंदा नहाएगा तो वह डूब जाएगा। अभी इतनी ज़्यादा लैंड स्लाइड भी हुई है, बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे हैं पर उसकी वीडियो नहीं बन पाई। और अब ये सामने बिल्कुल सामने ये बादल आ गए, ये देखना ये सारे बादल आ गए हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी मैं मारूँ मसवाक, टिम्बर का जो पौधा था उधर से मसवाक वगैरह तोड़ा है, यहाँ से साथ से कांटे वगैरह उतार लिए हैं, अब इससे दांत वगैरह साफ़ कर लिए हैं। और अभी ऊपर चाचू के घर जाने तो अब जल्दी से उनके घर जाते हैं, उनके घर थोड़ी देर बैठते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ से सीधा हवेली चलते हैं फूफो के घर। दोस्तों अभी दोबारा खड़ के पास आ गए हैं और अभी भी हम लोग तकरीबन पहले तीन एक घंटे पहले आए थे, अभी क्योंकि 11 हो गए हैं उस वक्त हम लोग तकरीबन 8 बजे आए थे और उस वक्त खड़ का इससे थोड़ा कम हाल था। पर अभी आप लोग इसका हाल देखिए, ओए होए होए ये देखिए कितनी तेज़ी से पानी जा रहा है, ये चेक करो यार। बहुत स्पीड में पानी जा रहा था कि एक वक्त होता था कि जब यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा पानी होता था और मतलब कि तकरीबन हमारी हाइट जितना होता था हम लोग उसमें नहाते थे। दोस्तों अभी वापस घर की तरफ जा रहे हैं, इसका पानी भी बहुत गंदा हुआ है। वैसे इसका जो पानी होता है ना बहुत साफ होता है, बहुत फुल मतलब कि इस तरह क्रिस्टल होता है, पर आज पानी भी इसका इतना गंदा हुआ है। तो दोस्तों अभी चाचू के घर से तो निकल आए हैं, अब जा रहे हैं हल्ला। रास्ता आप लोग देख सकते हैं इस तरह का कुछ रास्ता है और ये अभी इन झाड़ियों के नीचे से होते हुए जाना पड़ रहा है। और ये जो सामने घर है ना मेरे दादा बुक है, तो यहाँ पे कुत्ता इन्होंने रखा है तो वो पीछे भी लगता है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं फूफो के घर, आप लोग ये सामने का व्यू चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है यार। दोस्तों इधर से तो निकल आए हैं, अब बस ये सब हिल्ला जाते हैं और हिल्ला से फिर सीधा हवेली निकलेंगे। अब यहाँ से रास्ता पता नहीं है ये वाला या ये वाला, कौन सा रास्ता फवार? ये वाला रास्ता है, तो चढ़ते हैं यार। तो ये आप लोग रास्ता देख सकते हैं यार, क्या खूबसूरत रास्ता है, ये देख सकते हैं यार वो स्पीड में पानी जा रहा है। बस अब चलते हैं यहाँ से सीधा ऊपर, वो सामने घर है। दोस्तों ये देखें पानी, ये दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग पानी के बीच में है। दोस्तों अल्लाह तो हम लोग पहुंच गए हैं और आप लोग के सामने व्यू चेक करेंगे यार। बस अब जल्दी से उधर घर चलते हैं, शायद यहाँ पे कोई महफिल हो रही है, क्या हो रहा है। अब जल्दी से ये सामने अल्लाह, तो अब जल्दी से बस चलते हैं उनके घर। दोस्तों सब जगह सफारी हो गए हैं, अब फाइनली हवेली जा रहे हैं, हल्ला से भी हो गए, इधर से भी हो गए। अब ये सामने रहा हवेली, अब जल्दी से बस हवेली चलते हैं। तो दोस्तों वापसी घर आ गए, अब बस जल्दी से खाना वगैरह खाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी दोबारा छत पे चढ़ गए मैं, का कोई अच्छा सा व्यू बस मिले तो आप लोगों को दिखाऊँ, पर आज बहुत ज़्यादा काले बादल हैं। जब जाओ ना नीचे तो अंधेरा अंधेरा बहुत लगता है, बहुत मतलब कि बहुत खूबसूरत मौसम है। ये देखिए साथ यहाँ पे भी कस है,
तो उधर से भी सही आवाज़ आ रही है, पर व्यू बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। अब जल्दी से नीचे चलते हैं, जाके अब खाना वगैरह सही खाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग खेल रहे हैं पकड़न पकड़ाई, तीन बंदे हम, साद है, फवाद और मैं हूँ। आइए फवाद की बारी, तो फवाद बारी देता है और बारिश लग पड़ी है तो बारिश में खेलने का अपने ही मज़ा है, पर मोबाइल की टेंशन है तो अब मैं मोबाइल अंदर रखवाता हूँ और फिर खेलता हूँ, तो खेलने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स खाना डन, और यार बहुत बोरिंग डे हो रहा है, और बुर्ज की तरफ अभी भी बारिश लगी हुई है, ये आप लोग सामने देख सकते हैं, ये आपको जो धुंध नजर आई बारिश लगी हुई है बुर्ज की तरफ, और वहाँ से अब आसमान खाली हो रहा है, क्या फ़ायदा है अभी, आज आखिरी दिन है, दोबारा खड़ में नहाने जा भी नहीं सकते, उधर एक तो खाने भी इतनी ज़्यादा आई हुई है। अब ये आ गया साध, साध इधर देखो और वह फवाद, हम लोग तो कहाँ से चढ़ते हैं, छत पे आने के लिए हमें खास सीढ़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है जो ये है, और उतरने के लिए हमें अपनी टांगें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं छलांग के लिए। अब नीचे चलते हैं और जाके कुछ खेलते हैं, मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, इंजॉय करते हैं, फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम देते हैं। दोस्तों आवाज़ सुनिए आप लोगों ने, यहाँ पे इस तरह के परिंदे भी बड़े मज़े से बोलते हैं। दोस्तों धूप वगैरह निकल आई है, आप लोग देख सकते हैं, पर क्या फ़ायदा, बारिश हुई है तो इसने सारी खड़ आ गई है, तो क्या नहीं आ गया खड़ में। अब हम लोग जा रहे हैं इधर से तोड़ने, क्या नाम है, तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नाशपाती तोड़ने, और ये मेरे साथ फवाद है, यहाँ पे कोई और भी है, ये यहाँ पे बकरियाँ लगी हुई हैं, किसने बांधी है। तो दोस्तों अभी दोबारा हम लोग जा रहे हैं नाशपाती तोड़ने, दोस्तों बकरियाँ आ गई हैं, अंकल ले हैं तो बकरियाँ भी बांधते और ये नाशपाती भी खाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान, यार क्या गंद है, अभी हम लोग दुकान जा रहे हैं, और आज हम लोग ने इस जगह, ये सामने सांप है, सांप निकल यार छोड़, गाइस आप लोग देख सकते हैं, सांप छोड़ यार बस छोड़, मैं वापस जा रहा हूँ, यार सांप पागल है, आ गयो सांप यहाँ से उतर भी गया, पागल है, पता नहीं अब वीडियो में बना होगा कि नहीं। तो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत मोटा सांप था, वीडियो में बिल्कुल छोटा सा नज़र भी नहीं आया, असल में धूप पड़ी थी, ब्राइटनेस कम हो गई थी मोबाइल की, तो नज़र ही नहीं आया मुझे, सही नज़र नहीं आया कि मैं आप लोगों को सही दिखाऊं, पर वहाँ पे बहुत मोटा सांप था, पूरा ब्लैक था, इतना मोटा था और बहुत बड़ा था, बहुत लंबा सांप था। फिर जब दोबारा हम लोगों ने देखा, जब नींद दिखाई दिया, फिर हम लोगों ने वहाँ से स्पीड लगाई, अभी एक तो धूप पे भी इतना खर्चा चल रहा है कि यहाँ से इतनी जाना हुआ किधर जा रहे हैं, धूप इतना गजब चढ़ा है, आप देखिए अब आसमान पे एक बादल भी नहीं है, यार सुबह निकल आती कल शाम में निकल आती, बंदा खड़े में नहा ही तो लेते हैं, पर नहीं अब ये घर में आ गए, अब इस घर के अंदर व्लॉग तो नहीं बनाता, तो यहाँ से निकलते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों सारे काम हो गए हैं, दुकान से कुछ चीज़ लेनी थी वो भी ले ली है, और चाचू की तरफ आना था उधर से भी हो लिया, अब सीधा इस रास्ते से घर की तरफ निकलते हैं। अल्लाह अकबर, ये देखिए अरे यहाँ पे कितना जंगल बना हुआ है, इधर भी अब खौफ ही आता है कि यहाँ पे भी कहीं से मोटा सांप निकला है, वहाँ पे ही दौड़ लगानी पड़ेगी, ऊपर से हैं भी सीढ़ियाँ, बस ये पहुँच गए ऊपर, और आज मैं आप लोगों को अपने गांव की मस्जिद भी दिखाती हूँ। दोस्तों ये रही हमारे गाँव की मस्जिद, ये साथ दुकान है और ये मस्जिद है, अभी जहाँ पे गए थे वो कज़न की दुकान जिस वजह से उधर गए थे, अल्लाह ये भी मस्जिद है, एक और मस्जिद है वो ऊपर है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर बन्नी स्टॉप पे, कज़न आ रहे हैं उनको लेने, और आप ये देखें उस दिन जब हमें जिधर आए थे कुछ भी नहीं था, आज अब यहाँ पर देखें कितना पानी हो गया, और मज़ा बड़ा आ रहा है इस पानी में, पानी मार के ओए होए होए, सही ठंडा ठंडा पानी है, हाय अल्लाह अजान शुरू हो गया अजान के बाद। सो बस इस स्टॉप पे हम लोग पहुँच गए साथ ही रोड, हाय थक गए बहुत ज़्यादा, वापस घर हम लोग आ चुके हैं,
और अभी मैं आया यहाँ बकरियों वगैरह के पास, जरा इनके पास थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लें क्योंकि आज आखिरी दिन है, फिर कल वापस चले जाना है हमने। तो दोस्तों अभी इधर ही बकरियों के पास ही मैं घूम रहा हूँ, उस वक्त का बंदी भी गाय, इसके साथ साथ ये कोर भी बच्चा है, ये बच्ची है, ये मुर्गियाँ, ये क्या वे क्या हुआ है, और ये बड़ी बकरी है वे, फिर बाहर भी। अब बस इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ क्योंकि अच्छा लगता है, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करो बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक अब इस व्लॉग का एंड करने का टाइम हो चुका है, पहले मैं आप लोगों को व्यू दिखा दूँ उसके बाद फिर व्लॉग की एंडिंग करते हैं। और ऊपर आसमान पे एक बादल भी नहीं है तो इस वजह से व्यू। धूप चली गई है पहाड़ में, तो उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।